एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ साड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल। अगर आपके बाल भी इस तरीके से मीडियम लेंथ के हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज मैं करने वाली हूँ बीच मांग के साथ साड़ी के लिए खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को इस तरीके से अपने क्राउन एरिया से फ्रंट से इस तरीके से लेंगे हेयर को, जैसे मैं ले रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही लेना है आपको भी, और बैक से सारे हेयर को पकड़ लेना है। ओके, अभी इसको कॉम करेंगे अच्छे से। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंड बहुत ज़्यादा लो नहीं बनाने वाली हूँ, मीडियम पे बनाऊंगी अपना जो हेयर स्टाइल है। आपको आप अपने अकॉर्डिंग लो या हाई कर सकते हो अपने हेयर स्टाइल को। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बालों को कर लिया है एंड ये कवर बैंड पे अच्छे से टाइटली कवर बैंड को लगा लूँगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट से जैसे आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पतले हैं बाल आपके और क्राउन एरिया पे एकदम चिपक जाता है, तो आपको इस तरीके से खींच लेना है थोड़े थोड़े बाल को, जिससे कि आपके क्राउन एरिया पे थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा और जो आपका हेयर स्टाइल होगा वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब आपको लेना है एक डोनेट बन, और डोनेट बन को सिंपली इस तरीके से लगा देंगे और इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो आपने एक सिंगल पार्ट लिया है उसको सिंपली डोनेट बन के चारों तरफ से लपेटेंगे इस तरीके से, डोनेट बन को हाइड करते हुए और यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी लेके जाएंगे और डोनेट बन को अच्छे से हाइड करते हुए ध्यान दीजिएगा आपका जो डोनेट बन है वो दिखे नहीं कहीं से भी, और इसको भी यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये जो आपने बन बनाया है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं एंड कंफर्टेबल रहेगा आपको। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपका डोनेट बन दिख रहा है वहाँ पे आप यू पिन से अच्छे से इसको सिक्योर करते जाएंगे, क्योंकि ये बन मैं अभी बना रही हूँ सुबह के 10 बजे करीब और ये मुझे चाहिए शाम के 10 बजे तक। आप इसको गजरा वगैरह से सेट भी कर सकते हो जिससे कि आपका जो बन है उसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। जहाँ से भी आपको अनमैनेज लगे, जहाँ से भी लगे कि आपका डोनेट बन दिख रहा है वहाँ से आप इस तरीके से डोनेट बन को हाइड करते हुए यू पिन की मदद से अपने बन को सिक्योर करते जाइए। अब आपको लेना है साइड के हेयर जो हमने छोड़े हुए हैं, इनको क्या करना है, इस तरीके से उठाया है देन इसमें हम लोग चोटियाँ बनाते जाएंगे। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। थोड़ा थोड़ा लेयर लेंगे, इसके साथ मिक्स करते जाएंगे दोनों साइड से। बहुत प्यारा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेडिंग फंक्शन में भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से पूरा घूंस लेने के बाद से एंड तक इसको चोटी को बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचेंगे दोनों साइड से, जिससे कि जो हमारी चोटी का लुक है वो थोड़ा सा
अच्छा दिखे एंड लगे कि हमारी चोटी जो है वो हैवी है, थोड़ी सी मोटी है। इसको ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और बन के नीचे की तरफ से लेके आएंगे और यू पिन पे सिक्योर कर देंगे। काफ़ी इजी है काट एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल सी छोटी बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे और छोटी को कंप्लीट करेंगे। आपको अगर लेयर्स निकालनी है तो आपकी चॉइस है, मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है क्योंकि मुझे अभी दो ब्राइडल मेकअप करने हैं जिसकी वजह से मैं अपने लेयर निकालती हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है। बट आपको अगर शादी वादी के फंक्शन में इसको बनाना है तो आप निकाल सकते हो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप अपना हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। और जो ब्राइडल मैंने मेकअप किया है उसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड की हुई है, तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। तो इस तरीके से एंड तक इसको भी गूंथ लेंगे हम लोग और गूंथने के बाद फिर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा लूज करेंगे जिससे कि हमारे पतले छोटे बालों में थोड़ा वॉल्यूम दिखे एंड बाल हमारे काफ़ी अच्छे दिखे, स्टाइलिश दिखे। ओके, अब इसको भी हम लोग ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे। जो भी हमारे एक्स्ट्रा